सुनी होगी श्रवण कुमार के किस्से से। और उस समय की बात की जब राजा दशरथ शिकार खेलते हुए वन में विचरण कर रहे हैं। मेहरबानों, श्रवण कुमार अपने अंधे माँ बापों को तीरथ कराते हुए निकल रहे हैं। एक पेड़ की छांव में बैठा करके अपने माँ बाप के लिए पानी लेने के लिए सरयू नदी पर पहुंचता है। और जैसे ही घड़े को डुबकोता है, डुबक डुबक की आवाज आती है। राजा दशरथ शब्द वेदी बाण छोड़ देते हैं, जो कि श्रवण कुमार की छाती में जाकर के लगता है। हाय राम, मुख से निकलता है, चीख निकलती है, भागा दौड़ाता है, अरे मैंने तो किसी इंसान को मार दिया, मैं तो सोच रहा था कोई जानवर है। मेहरबानों, बात जाते हैं, देखते हैं कि छाती में तीर घुसा हुआ है। निकालने लगे, मुझसे गलती हुई है। तो श्रवण कुमार कहने लगे, महाराज अब मेरे प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं, लेकिन जाने से पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मेरा एक कहना पुगाना होगा, मेरे माँ बाप अंधे हैं, प्यासे इस वन में बैठे हुए, उन्हें पानी पिला दे। किस तरह से, क्या कहने लगा वो श्रवण कुमार। आइए इस रागिनी को लेकर के ज्ञानेंदर सरधाना प्रहलादपुर फरीदाबाद, ये बताया वाला। दशरथ राजा केहने पुगा दे, मेरा केहने पुगा दे, दशरथ राजा केहने पुगा दे, केहने पुगा दे। उसकी है भारी मर्जा, पिता में है तारी, उनकी जान बचा दे। दशरथ राजा केहने पुगा दे, केहने पुगा दे। मात पिता मेरे बैठे हैं वन में, लग रे होंगे हरि के भजन में। हो खुश की है तन में, खुश की है तन में, उनकी प्यास बुझा दे। दशरथ राजा दे, कहने पुगा दे। और कुछ अंधे कुछ और अंधे, जिसके लगे उसे पाटे है बेरा। ओ बण के सवेरा, तू बण के सवेरा, उनकी धीर बंधा दे। दशरथ राजा केहने पुगा दे, केहने पुगा दे। और बाहर रहो चाहे रहो कोई घर पे, भोगना पड़ेगा जो चक्कर नर पे। ओ गरीबों के सर पे, गरीबों के सर पे एहसान चढ़ा दे। दशरथ राजा केहने पुगा दे, केहने पुगा दे।
और दुख मोटे ने दे धरती में मारा। लड़न सिंह ना चले हर से चारा हो, राजबल बेचारा, राजबल बेचारा क्या अब गाके सुना दे। उसकी है भारी मर्दा पिता में है तारी, उनकी जान बचा दे। दशरथ राजा कहने पुगा दे, कहने पुगा दे।